सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अर न्यू अनदर वीडियो। एंड गाइज आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि गाइज आप रेमिनी ऐप के अंदर कोई भी फोटो एडिट आप कैसे कर सकते हो। गाइज अगर आप रेमिनी ऐप के अंदर फोटो एडिट करना चाहते हो, बहुत ही आसान सा तरीका इसके लिए हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसके बारे में आपको कुछ भी बताऊं इससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और गाइज इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब चलिए हम जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल तरीके से जो है जहां पर भी आपका रेमिनी ऐप होगा आपको अपने रेमिनी ऐप के अंदर चलना है। तो हमारा रेमिनी ऐप हमने इसको ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है और ये हमारे मोबाइल के होम स्क्रीन पर हमें देखने को मिल रहा है। हम इस ऐप के ऊपर क्लिक करते हैं और इस तरीके से जो है इसके अंदर आ जाते हैं। अब जैसे ही आप रेमिनी ऐप के ऊपर क्लिक करोगे आपके मोबाइल के स्क्रीन पर आपको इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऊपर के साइड में आपको कट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको कट वाले ऑप्शन के ऊपर जो है क्लिक कर लेना है। इस तरीके से आप कट वाले ऑप्शन के ऊपर जो है क्लिक कर लेना तो आपके गैलरी के अंदर जितने भी सारे फोटोज होंगे वो सारे फोटोज आपको यहाँ पर जो है देखने को मिल जाएंगे। तो जिस भी फोटो को जो है आपको एडिट करना होगा सिंपल तरीके से जो है आपको उस फोटो को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो उस फोटो को सेलेक्ट करने के लिए आपको उस फोटो के ऊपर जो है क्लिक कर लेना है। इस तरीके से आप फोटो के ऊपर क्लिक कर लेना, अब आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको जो है इनहेंस वॉच ऐड के ऑप्शन के ऊपर जो है क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इनहेंस वॉच ऐड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे आपको एक छोटा सा ऐड आपको देखने को मिलेगा, आप वो ऐड देख लेना। उसके बाद अपलोडिंग इमेज इस तरीके से जो है प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर जो है थोड़ी देर जो है आपको वेट कर लेना है गाइज। अब गाइज उसके बाद आपके मोबाइल में एक ऐड स्टार्ट हो जाएगा, ऐड 30 सेकंड का होगा। 30 सेकंड का ऐड आप पूरा देखना, बीच में उसको कट बिल्कुल भी आप मत करना। ऐड जब आप देख लोगे उसके बाद आपके मोबाइल के स्क्रीन पर ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो गाइज अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो मेरा फोटो है ये ओरिजिनल फोटो है और इस तरीके से ये लाइन में इस तरीके से स्लाइड अगर करता हूँ तो जो एडिट हुआ फोटो है वो हमें इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो आप कंपेयर कर सकते हो कि बिना एडिट किया हुआ फोटो इस तरीके से देखने को मिल रहा है और इस तरीके से एडिट किया हुआ फोटो इस तरीके से देखने को मिल रहा है। आपको फोटो अच्छा समझ में आए तो गाइज आपको इस फोटो को सेव कर लेना है। गाइज इसमें आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप फोटो जो है आपका सुंदर बन जाएगा। और इस तरीके से जो है फोटो को एडिट करने के बाद अगर आपको फोटो को अगर वापस आपको गैलरी के अंदर भेजना होगा सेव करके, तो गाइस फोटो को गैलरी के अंदर भेजने के लिए आपको ऊपर के साइड में डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, आपको इस डाउनलोड वाले ऑप्शन के ऊपर जो है क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप डाउनलोड वाले ऑप्शन के ऊपर जो है क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक है सेव का और दूसरा ऑप्शन है रिमूव एड्स का। तो ये जो पहला वाला ऑप्शन है जहाँ पर लिखा हुआ है सेव और उसके नीचे लिखा हुआ है वॉच एन ऐड, तो आपको इसी ऑप्शन के ऊपर जो है क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे आपके मोबाइल के स्क्रीन पर एक 30 सेकंड का ऐड स्टार्ट हो जाएगा और उस ऐड को आप पूरा देख लेना, बीच में बिल्कुल भी आप ऐड को कट मत करना। और जब आप ऐड को पूरा देख लोगे तो ऐड पूरा देखने के बाद वो जो फोटो होगी सिंपल तरीके से आपकी जो है गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। गाइज अगर आप इस चैनल पर नए हो और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियोस आपको इसी तरीके से हर रोज देखने को मिलता रहे।